नमस्ते बुआ जी। बुआ जी, एक पत्नी की क्या भूमिका है घर को अच्छा बनाने में, घर को चलाने में? आप काफी सालों से इस फील्ड में हैं। ऐसा है, पत्नी का भी एक रोल होता है और पति का भी रोल होता है, लेकिन ये भी सच है कि एक पत्नी अपने घर को एक स्वर्ग बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। पति के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही पत्नी को चलना पड़ता है। एक तो ये होता है जैसे उसकी चादर है उसी हिसाब से खर्चा करना। एक कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं ओवर खर्चा करती हैं, तो उससे क्या होगा, ओवर खर्चा होगा, पति की आमदन कम होगी और उससे जब खर्चा पूरा मेन जरूरतें रह जाएंगी उनकी फालतू के खर्चों के चक्कर में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ झगड़ा होगा, क्लैश होगा। तो इसलिए पत्नी का यही रोल है कि एक कम से कम खर्चा करे, जरूरत का करे और फालतू खर्चा ना करे, उसका ये भी रोल है। दूसरा कि एक पत्नी की नेचर स्त्री में होती है कि झगड़ा करने की, लेकिन बात बात पे झगड़ा करना, टोटिंग करना, तो अगर कोई पीछे से संस्कारी कोई लड़की होती है, उनके माँ बाप से पीछे संस्कार अच्छे मिले हुए होते हैं, और ऐसा जैसे आजकल रहीस घरों में भी लड़कियाँ बिगड़ी हुई होती हैं, लड़के भी बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास में, ऐसी नहीं कि रहीस घर में, गरीब घरों की भी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये तो खैर तुमने देखा ही है, कुछ अजमाया भी है तुमने, लेकिन हर तरह के लोग मिक्स होते हैं। लेकिन ये होता है कि भाई जैसे पत्नी का एक स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, नेचर भी अच्छा होना चाहिए, तो ये कुछ संस्कार पीछे से होते हैं, कुछ माहौल से मिलते हैं, घर के माहौल से मिलते हैं। एक मिनट, मैं आपसे रोकना चाहूँगा, कभी कभी ना गलती पति की भी होती है, क्या ये सत्य है? ऐसा है, कभी 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 पति की भी गलती होती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। मान लो अब पति खर्चा पूरा नहीं कर पाता, लेकिन उस पे पत्नी पे आरोप लगाया उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया या जैसे भी है, लेकिन उसको तेजी से या गुस्से से ना बोल के उसे प्यार से हैंडल करे, प्यार से हैंडल करे। अगर पत्नी अच्छे संस्कार वाली है तो प्यार से उसकी बात पति भी समझेगी, नहीं अगर झगड़ालू टाइप की है तो प्यार से भी बात नहीं समझेगी, तो इस वजह से पति को भी गुस्सा आ सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक तरफ का गलती होती है, दोनों तरफ की गलती होती है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सिचुएशन देखनी होती है। अगर आप तो एक जनरल बात कर रहे हैं ना, जनरल बात के ऊपर मैं जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन किसी को केंद्र मान के, यानी किसी की हम बात करें, यानी आप ये चाहते या मैं अपनी बात बताऊँ, या हम परिवार में किसी फैमिली की बात करें, या भैया भाभी की या मम्मी पापा की या किसी और की, तो उसको सिचुएशन के ऊपर ही बात, क्या स्थिति रही है उस बारे में, कैसा हुआ नहीं जाता है। जनरल बात तो ये होती है कि जनरल बात तो ये है कि पति की भी गलतियाँ होती हैं, पत्नी की भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो ये तो दोनों की ही बातें हैं। जो आजकल के नौजवान जो अभी पति पत्नी फ्यूचर में बने, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज है भाई, शादी शुदा लाइफ आप अच्छी गुजारना चाहते हो तो एक तो ये है कि दोनों मियाँ बीवी को प्यार से ही आपस में अंडरस्टैंडिंग रखना होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि रही इनकम की बात, अगर पत्नी इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, वो समर्थ है कि मैं ये पढ़ा सकती हूँ या कुछ बिजनेस कर सकती हूँ या पार्लर का काम, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो अपने पति के इनकम में साथ दे। तो ये है कि क्योंकि आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, करके सारे कमाई तक पूर्ति पड़ती है। आने वाली जनरेशन के लिए मेरा ये एक संदेश है कि पति अगर समर्थ है, तो दूसरी बात ये है कि लड़कों के लिए भी ये संदेश है कि पत्नी को इस बारे में सहयोग दे, और तभी आगे का जो जीवन है सही आप बिता सकते हैं, बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छे से दे सकते हैं आप, और हर तरह से एक तरह से बच्चों की जितनी भी जरूरत होती है, क्योंकि देखा देखी में बच्चे, मान लो पड़ोस के बच्चे के पास साइकिल है तो अपना बच्चा भी साइकिल मांगे, पड़ोस के पास
बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो वो बच्चा बिगड़ेगा और हर अनजरूरत चीज को पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा, हमें अगर अच्छी शिक्षा पानी है, हमारे अंदर अच्छी शिक्षा है, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मान लो बच्चों अगर कोई डिमांड करता है तो उसकी डिमांड आप पूरी कर सकते हो, लेकिन उसकी डिमांड जायज है या नहीं जायज है ये भी देखना है, माँ बाप को ही देखना है। क्योंकि जब न्यू जनरेशन शादी करेगी, आगे बच्चे भी होंगे, तो इसलिए मैं आगे बच्चों तक की बात भी कर रही हूँ। तो ये माँ बाप ही दे सकते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा। दूसरा एजुकेशन के मामले में खतरे व्यवहार के मामले में, लेकिन एक और भी बात है कि अपने बच्चों को भगवान के टच में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि टच में रहेंगे तो उनके संस्कार अच्छे बनेंगे, तो उनमें थोड़ा भक्ति आएगी, ठीक है ना, उनमें भक्ति भी आएगी, संस्कार अच्छे बनेंगे, माँ बाप की इज्जत करेगा, अपने गुरु की इज्जत करेगा, अपने इष्ट देव की इज्जत करेगा। तो ये क्या मेरे आने वाले